पूछोगे ना मुझे नहीं आती. नहीं नहीं आया. इंग्लिश हिंदी मिक्स. हां इंग्लिश इंग्लिश. ओके ओके. सो शुरुआत फिटनेस से करते हैं. जो चलो यस जो आजकल लाइक सोशल मीडिया पे लाइक यू आर पुटिंग वीडियोस पिक्चर्स फैंस आर लविंग इट. बेसिकली आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर गेटिंग फ्रॉम द फैंस. यार रिस्पांस तो लाइक फैंस तो हमेशा प्यार ही देते हैं हर चीज़ के लिए. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक मेरी फ्रेंड रिद्धि है, उसने भी एक पोस्ट पे कमेंट किया है कि मैं उन लड़कों की तरह बनती जा रही हूँ जो सिर्फ वर्कआउट के वीडियोस डालते हैं, सिर्फ वर्कआउट की फ़ोटो डालते हैं. बिकॉज आई थिंक मैं थोड़ी ऑब्सेस हो रही हूँ इस टाइम पर फिटनेस से और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. तो आई थिंक आई एम रियली इंजॉइंग पुटिंग वर्कआउट वीडियोस पिक्चर्स ऑन माय सोशल मीडिया. माई ट्रेनर, लाइक आई थिंक मेरे ट्रेनर की वजह से मैं इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ. हिज नेम इज़ रोहित नायर. एंड मैं जिन दिनों बहुत ही डीमोटिवेटेड भी रहती हूँ, आई जस्ट हैव टू गो टू द जिम, आधा घंटा उनके साथ बैठती हूँ, मुझे चार्ज अप कर देते हैं और मैं चार्ज अप हो जाती हूँ. ही इज़ ऑल्सो लाइक अ थेरेपिस्ट टू मी नाउ. तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. और बिकॉज जब एक बार आप रिजल्ट्स भी देखने लग जाते हो ना अपनी बॉडी में, तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ ही जाती है. आई फील हाँ, मतलब ऑफकोर्स फिटनेस बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीबडी. अगर आप जिम जाके वर्कआउट नहीं भी करना चाहते, आप थोड़ा बहुत योगा कर लो, आप थोड़ा बहुत वॉक कर लो ताज़ी हवा में जाके बाहर, नहीं तो घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी थोड़ा बॉडी खुलती है. थोड़ा लिटिल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. और डाइट में भी आई फील जब से मैंने थोड़ा शुगर कोशिश की है कम करने की या हटाने की, और जब से मैं थोड़ा जंक फूड कम खाने लग गई हूँ, फिर यू नो आई कैन फील बॉडी बेटर हो रही है. आई कैन फील द रिजल्ट्स. थोड़ा एंटी एजिंग भी होता है अगर आप थोड़ा फिटनेस में घुस जाओ, थोड़ा डाइट फॉलो करो तो. सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक लंबी और तंदुरुस्त ज़िंदगी जीनी है तो. आई थिंक आई रियली इन्जॉय डूइंग किक बॉक्सिंग विद माई ट्रेनर. MMA किक बॉक्सिंग हुआ था है, उनके साथ मैं ये करती हूँ. तो मुझे पता ना कि गुस्सा सबको उसमें डाल दो, किक मारो और वो सब. एंड मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी शूट किया है जो कि मैं अभी डालने वाली हूँ अपने सोशल मीडिया पर. बट आई थिंक किक बॉक्सिंग MMA आई हैव द मोस्ट फन विद. And now, like, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप देखते हो, like, you are doing MMA, mixed martial arts, very huge thing to learn that courses, it's very, because I also learn mixed martial arts, so that's why I know we get injuries and a lot. So, कैसा, like, what kind of project you look forward to? I would love अगर मुझे कुछ kickboxing, MMA से related कुछ मिले, आई वुड लव इट. लाइक आई वुड गिव इट माई 200%. एंड आई रिमेंबर एक फिल्म देखी थी मैंने, $1 million baby आई थिंक, जिसमें वो एक्ट्रेस बॉक्सर बनना चाहती है एंड उसकी पूरी जर्नी. और यू नो कितनी वो ज़्यादा उसमें घुसी हुई है कि चीज़ ओके, कुछ भी टूटे फूटे चलेगा. सो आई मीन रियल लाइफ में नहीं, बट आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट. हाँ, because I really enjoy it also. And what do you want to say about your last project? अभी 3 की मैं बात कर रहा हूँ. किस तरह के response अभी भी मिल पा रहे हैं और किस तरह के response कुछ time पे मिल रहे थे आपको उस project को लेके? I think people really liked it. Especially season 2 जिसमें मेरा character introduce हुआ था, and finally then season 3 happened जिसमें मेरा character और dark हो गया था. तो कभी किसी ने मुझे इस तरीके से देखा नहीं था पहले. हमेशा अच्छी लड़की बहू टाइप के कैरेक्टर्स या बबली टाइप के कैरेक्टर्स में देखा था. तो ये थोड़ा सा ऐसे सरप्राइज शॉक टाइप का था एंड लोगों को थोड़ा बिलीव नहीं होता था कि अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो. सो मज़ा आया क्योंकि लोग बिलीव कर पा रहे थे कि मैंने वो किया. सो हाँ, मतलब वही है कि उन्होंने ऐसे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स मुझे और एक्सप्लोर करने हैं, एक ही टाइप के कैरेक्टर नहीं करने हैं. सो या इट्स फन. सो यू टॉक अबाउट MMA, रिसेंटली रिलीज होने वाली MMA रिलेटेड मूवी लाइक, सो वैसा कुछ आपको अगर चांस मिलता है तो? हाँ,
व्हाई नॉट, मुझे अगर ऐसा कुछ अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए एक एमएमए फाइटर का बनने का चांस मिलेगा तो आई वुड लव इट. आई एम टेलिंग यू ना कि एक तो कुछ नया करने को मिलेगा, सेकेंडली आई विल डू समथिंग दैट आई एम एंजॉइंग, और ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी और यू नो आई वुड लव टू गिव इट माई 200%. बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो. वाई नॉट नहीं यार, दोबारा तो कोई सा भी नहीं करना चाहती, कुछ नया करना चाहती हूँ. अब जो कर लिया आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, और इतना सारा प्यार मिला मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट दोबारा नहीं करना चाहती बिकॉज अभी मेरा यही है मोटिव कि कुछ नया करने को मिले, कुछ नया करूँ. एंड बिकॉज ऑफ OTT आपको इतने चांसेस भी मिल रहे हैं, क्योंकि एक शो आता है आप उसको 2-3 महीने देते हो एंड यू आर डन विद इट, फिर कुछ नया करो. तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी फ़िलहाल काम करने में, तो कुछ नया ही करना चाहूंगी आई थिंक. एंड एज एन एक्ट्रेस हाउ डू यू सी ओटीटी? इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द एक्टर एंड एक्ट्रेस, ऑल द स्मॉल एक्टर्स से लेके बड़े एक्टर, जिस तरह के काम मिल रहे हैं ओटीटी में, आप किस तरह से देखते हो? आई थिंक OTT is a beautiful bridge between films and television, because I feel वहाँ पर ना कोई TV एक्टर नहीं है या कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है या कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, वहाँ पर एक मीडियम है, एक बैलेंस है वो OTT, जहाँ पर हर कोई एक एक्टर है और आपको इतना स्कोप है टू परफॉर्म, एंड आपको द कैरेक्टर्स आर वंडरफुल, द स्क्रिप्ट इज़ वंडरफुल, कुछ ना कुछ नया होता रहता है OTT में. एंड या आई मीन इट्स अमेजिंग, ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है दैट ओ टेलीविजन एक्टर या बॉलीवुड स्टार यू नो या TV स्टार. Everybody is an actor and everybody is there giving their 200%, performing you know the best that they can. And agar aapki performance pasand aati hai OTT mein logo ko, to you know they look forward to watching you more. Acceptance hai achhi performance ke liye OTT mein. Reality shows ki baat karo, Spain mein aapko dekha Khatron Ke Khiladi, now South Africa mein Khatron Ke Khiladi ja rahe hain, jisme aapki best friend bhi gayi hai Spriti ja, and aapne comment bhi kiya unke post pe kuch like kafi viral hua comment. मेरे साथ चैंग, आशीष, हुसैन ये लोग थे, सो वी वर ऑल्सो इन केप टाउन. बट यहाँ जब मुझे पता चला कि स्मृति खतरों के खिलाड़ी में जा रही है, आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज आई लव दैट गर्ल. इतनी सिंपल लड़की है, लाइक आई थिंक टेलीविजन हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसमें इतनी सिंपल, इतनी ग्राउंडेड लड़की आई हैवंट सीन बिफोर, एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट. और मैं इतनी खुश थी जब वो गई और उसको इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देख के से बहुत अच्छा लगा. वो शीज़ माय फ्रेंड. नहीं आई थिंक मैं तो सिर्फ स्तुति को सपोर्ट कर रही हूँ, ओनली स्तुति. फॉलो कर रही हो आप खतरों के खिलाड़ी? नहीं, बट मैं सपोर्ट कर रही हूँ स्तुति को. एज अ बेस्ट फ्रेंड. या एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. किस तरह के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, कुछ कहना? एट द मोमेंट आई एम शूटिंग समथिंग फॉर वूट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो जल्दी से हम शूटिंग ख़त्म करें और वो बाहर आए और लोग उसको देखें. बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि मुझे मज़ा आता है कुछ ना कुछ नया करते रहने में, तो इस तरीके का मैंने पहले नहीं किया, ऐसे चैलेंजेस पहले मैंने नहीं इतने यू नो एक्सप्लोर किए, तो या बहुत 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 मज़ा आ रहा है. यार मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जिसको जो करना है करने दो ना, टिल द टाइम दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्सनली टू यू. आई रिमेंबर वंस, एक बार बहुत पहले मिलिंद सोमन का भी एक ऐसा ही पिक्चर था, एंड यू नो पीपल वेरी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड इट. आई थिंक मे बी इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कि लोग हर चीज़ का इतनी बड़ी बात बना देते हैं. सो आई फील कि एंड ही इज़ सच एन एक्सपेरिमेंटल पर्सन ना, तो
it's not to hurt anybody or anything. He's just exploring. He's just having fun. Tum log bhi apna dekho and like, you know, just accept people how they are, right? Log box bana ke kapde daal rahe hain unke liye, case kar rahe hain. Un logon ke bare mein kya kehna hai particular un logon ke baare? I think ek baar Priyanka Chopra ne bola tha jab unhone kuch red carpet pe dress pehni thi brown color ki lambi si aur un pe memes ban rahe the, to unhone bola tha hamari India mein jo audience se jo log hai wo bahut creative hain. Kya kya memes banaye the un pe bhi. To I think लोगों को अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे स्पेशली ऐसा हो गया है कि कुछ भी मिलता है ना उस पर मीम बनाना होता है, उनको दिखाना होता है हम कितने क्रिएटिव हैं और जो कि एंटरटेनिंग भी होता है. सो या आई मीन यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक डूइंग यू डू एंड उनको भी करने दो ना वो जो कर रहे हैं, व्हाई नॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम. एंड रियलिटी शोज की मैं बात करूं, लाइक वी हैव सीन यू इन खतरों के खिलाड़ी डांस रियलिटी शो, व्हाट अबाउट बिग बॉस? यार बिग बॉस तो आई डोंट थिंक आई एम अ बिग बॉस मटेरियल. मैं वहाँ जाऊँगी या तो एक जगह पर पड़ी रहूँगी, झगड़ा वगड़ा मुझसे होगा नहीं. बिग बॉस खुद परेशान आ जाएंगे, बोलेंगे हे यार इसको निकालो, कुछ नहीं करती है ये, सोती रहूँगी अपना, हाँ ठीक है लड़ रहे हो ना लड़ते रहो, नहीं नहीं पड़ी है मुझे. तो आई डोंट थिंक आई एम बिग बॉस मटेरियल. And lastly, a small message to your fans who are waiting for your project. Yeah. कुछ hints दे दीजिए. Hint तो मैंने दे दी ना, I'm doing something different and it's for Woot and I'm so, I get so happy seeing their excitement for my work and इतने creative हैं वो लोग भी यही memes बनाने में and you know ऐसे collages बनाने में, edits बनाने में. That's what I'm saying, everybody is so creative and I see all your edits and stuff and it just makes me really happy. और आप लोग इतना प्यार देते हो तो अभी जो नया show आएगा उसको भी बहुत सारा प्यार देना. Thank you. So we are like neighbors, we're like, hey. Oh, yeah, she would have. Only. Ma'am. Kya kar? Pose. Favorite.